गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 28 अक्टूबर और सुबह का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन हाँ 7:30 का टाइम हो रहा होगा और मैं यहाँ पे आ गई हूँ यूके रूम में। चादर मुझे चेंज करना था तो मैंने सोचा चलो आज निकाल देती हूँ, तो चादर बस यहाँ पे लगा रही हूँ। इस वाले बेड के जो साइड में मैंने जगह नहीं रखी, इस वजह से मुझे थोड़ा चादर वादर लगाने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आजकल हमारे यहाँ एसी बंद हो गए हैं क्योंकि मौसम ठंड हो रखी है और जंगले रात को खुले रहते हैं बच्चों के, तो बस यही है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा उसी रूम से सफाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे छोटे वाले बेड पे बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चे बैठ के, तो इस वजह से इसका चादर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि, और ये बड़े वाला जो बेड है उस पे मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे हैं तो बस आपको पता ही है, कहीं भी मना करो इधर मत बैठो उधर मत बैठो, लेकिन ऐसा नहीं है उनके साथ। उसके बाद उस रूम का चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर इस वाले दीवान में मैं बच्चों के जो कपड़े हैं ठंड के, वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा बच्चों के लिए आपको तो पता ही है फुल स्लीप का मतलब जरूरत होता है क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं, तो मम्मी ठंड लग रही है, स्पेशली गुनगुन के साथ ये प्रॉब्लम है ज्यादा। तो यहाँ पे बहुत ऐसे कपड़े थे जो छोटे हो गए थे और बहुत ऐसे कपड़े थे जो कि मतलब कान्हा के लिए मैं निकाल रही थी, और बहुत ऐसे थे जो गुनगुन के लिए युग के लिए। तो सारे बच्चों के कपड़े मैं इसी में रखी हूँ, मतलब अपने दोनों बच्चों के कपड़े जो भी थे। तो यहाँ पे बारी बारी से सबको देख रही हूँ, हालांकि कितना भी मैं धो के रख। अभी मैं आप लोगों से काफी समय के बाद मिल रही हूँ क्योंकि नहाना वहाना मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, और पता है आजकल धूप इतनी ज्यादा हो रही है कि मतलब पीछे मत, बहुत ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा। मेरे रूम की खिड़की आजकल बहुत ज्यादा खुली रहती है, और ये सब कार्टून आप देख रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ सामान है जो कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, तो वो सब फिर बात के लिए है। और अगल बगल से थोड़ी सी आवाज आती रहेगी तो क्योंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मेड की आवाज है कुछ। दरअसल क्या हुआ ना कि चावल था मेरे पास बहुत ज्यादा, तो वो चावल को मुझे फटकवाना था, वही ना कहते हैं जो भी कहते हैं, मेरे यहाँ तो वही कहते हैं। तो मैंने मेड से बोला कि आज उसे फटक देते हैं, और मतलब थोड़ी सी धूप हुई है और मीठी मीठी जो धूप होती है उसमें थोड़ा चावल गेहूं या फिर थोड़ा सा बाहर निकाल देना चाहिए। तो जो भी मतलब है ड्रम व्रम सब खाली करवाया, हालांकि मैं नहा चुकी थी, मेट ने ही किया है, लेकिन बस खड़ी थी उसके साथ बैठ के। और दो दिन से पता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिस दिन हम लोग का मतलब 10वां दिन था, 10वीं के दिन हमारा मतलब खाना खाने का टाइम आता है 9 दिन के व्रत के बाद, उस दिन तो मतलब पूछे मत मेरी तबीयत, कोई भी व्रत हो जिस दिन पारण रहता है ना उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। और मुझे ये बात हालांकि पता है, लेकिन फिर भी अब उसके लिए कोई व्रत ना करे ये तो नहीं हो सकता। और दो दिन मतलब बेड से मैं उठी नहीं, इस वजह से सॉरी मेरा ब्लॉग कल नहीं गया था, तो बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मतलब क्या मैं बताऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं था करने का। अभी भी हालांकि मैं बस एक कहते हैं ना कि उठ रही हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि मौसम ठंड हो रही है। सुबह सुबह मेरे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए थोड़ा सा स्टेडियम, तो पापा के साथ अपने, तो उसके लिए जो भी फुल स्लीप की जो भी टी शर्ट है, थोड़े से पतले पतले जो जैकेट जो होते हैं कॉटन वाले, वो सब सारी चीजों को मैंने आज निकाला है और सबको धो के इसी में और धूप में अभी रखी हूँ। बस उतना ही भर तो काम है नहीं, वो मतलब जिसके कबर्ड का जो चीज है उसके कबर्ड में लगाना है। बहुत ऐसे कपड़े थे जो कि बहुतों से बहुत ज्यादा जो कि छोटे हो गए थे, तो मैंने मेट को निकाल के दे दिया क्योंकि उसके घर में भी बच्चे छोटे नहीं है, लेकिन हाँ उसके अगल बगल बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसने कहा भाभी मैं दे दूँ मतलब दे दूंगी छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं। गुनगुन के बहुत सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, और हालांकि लंबी होती जा रही है इस वजह से, तो इस बार तो थोड़ा मतलब छोटा वोटा तो चलता है घर में, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे कपड़े थे जो कि तो मैंने निकाल के झोला झोला भर के दे दिए, बोले कि लेके जाओ जिसको मतलब जरूरत हो उसको दे देना, क्योंकि हमारे एक कहते हैं ना कि अगर हमारी दी हुई चीजों से किसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ, और जब भी मैं मतलब अपना कोई भी ऐसा स्टोरेज जो कह सकते हैं मतलब खोलती हूँ, या फिर हमारे घर में 4 बक्से हैं, आप यकीन नहीं करोगे, कभी मैं दिखाऊंगी आपको एक बड़ा सा बक्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्तन मैं रखती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा पार्टी होती है, या फिर लिट्टी पार्टी हुई, या फिर कोई 10 लोग आ ही गए, या फिर कुछ भी, तो मैं यहाँ पे किससे जाऊंगी बर्तन खरीदवाने या फिर मांगने। इस वजह से मैंने सारी चीजों को मतलब घर में ही रखा है क्योंकि मुझे बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तो इस वजह से सारी चीजें हैं एक में, सारे कम्बल जितने भी चादर वादर रहते हैं सारे को मैंने मतलब अंदर रख दिया है, और दूसरे वाले में डेली के जितने छोटे मतलब 4-5 मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन लोगों के जो भी कपड़े होते हैं वो सारे रखती हूँ। कभी ठंड में एक बार बैठती हूँ और गर्मी के सीजन में एक बार बैठती हूँ,
फुली टाइम बैठती हूँ, क्योंकि उसमें से जो भी छोटे कपड़े होते हैं सारे चीजों को मतलब देना और दे देती हूँ जिसको जिसको जरूरत होती है उसके लिए। तो चलिए, काफी बातें भी कर लिया आपसे और अभी बस थोड़ा सा रूम क्लीन करूंगी। क्लीन तो मैंने कर दिया था सुबह में, लेकिन फिर भी अभी देख सकते हैं आप हालत मेरे रूम की, अभी झाड़ू वाड़ू नहीं हुआ है। मेड अभी जस्ट आई है क्योंकि उसके घर में भी फैमिली और काफी दिनों से है, तो मैं सोचती भी हूँ बोलना कि जल्दी आया करो, हालांकि जब पूजा का टाइमिंग होता है ना तब आ जाती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपनी अपनी सबकी हो, इतना मतलब कड़क बनने से काम भी नहीं चलेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मेरे किचन की हालत बहुत बेकार हो गई है और अभी पता है 1:15 हो रहे हैं और मैं आई हूँ चाय बनाने, क्योंकि बाहर कोई आया हुआ है। तो शुगर फ्री चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए और पानी चाहिए। तो मैंने बोला चलो अब तो किचन की काम स्टार्ट, और बर्तन वर्तन धो के मेड चली गई है ऐसे ही छोड़ छाड़ के, मतलब वो लगाती नहीं है मेड मेरी, मुझे ही लगाना रहता है। तो बस अभी किचन में आई हूँ, चाय चढ़ाऊंगी जितने देर में उतने देर में सारे काम हो जाएंगे मेरे। और मैं एक चीज और दिखाती हूँ, पता है कल भैया ने 2 कप लेकर आए मतलब चाय वाली, तो ये ग्लास छोटी छोटी जो चाय के दुकान पे होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही है। और मुझे लगा ना कि कप का डब्बा तो बड़ा था, पर मुझे लगा कि कप भी बड़े होंगे, पर कप की साइज जो थी ना वो छोटी छोटी थी। तो यहाँ पे देखिए कप की मतलब ऐसे तो देख के लग रहा है कि कितना बड़ा है ना, लेकिन फिर भी इसे निकालने के बाद समझ में आया मुझे कि चोरों से ज्यादा ही ये छोटा है। एक तरह से पता है अच्छा ही है, मेरे घर में बहुत ज्यादा, आपको मतलब मेरे ब्लॉग्स में दिखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं बाहर चाय वाय के लिए, और छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो मतलब अच्छी होती हैं। तो बस तरह चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय जो होती है ना इनकी बहुत अच्छे से पकनी चाहिए चाय, तभी जाके चाय की एक होता है ना कि टेस्ट अच्छा आता है। तो बस चलिए आज शीशे वाली कप में चाय देती हूँ सबको, और बिस्किट विस्किट सब यहीं पे है लगाना, बाकी तब तक कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ और किचन क्लीन कर देती हूँ बिल्कुल एकदम, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। बन गई चाय सबकी, किचन भी क्लीन कर दिया, बर्तन भी लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए मैं और अपने लिए और भाभी के लिए लेके चलती हूँ के रूम में, और मैं अभी बैठी हूँ जस्ट पपीता लेके, गुनगुन मेरे साथ गाइड की बोली है तो मैंने बोला चलो ठीक। तो चलिए काटते हैं पपीता, और पता है काफी दिनों से नवरात्रि के समय से ही रखा हुआ था फ्रिज में, और अभी एकदम ठंडा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा। और माँ आज दोपहर में लंच नहीं की है, वो भी एप्पल खाई है, आज सब लोग फलहारी में दोपहर का जा रहा है, हालांकि मैंने किया था। तो बस अभी ठंडा ठंडा पपीता काटती हूँ और इसमें छिड़कती हूँ थोड़ी सी चाट मसाला, उसके बाद खाते हैं एकदम मजा लेके। शाम का मौसम हो गया है और पता है यहाँ पे देखिए आप, अच्छा दिख रहा है ना, दिवाली स्पेशल, अभी दिवाली आने में टाइम है, लेकिन मैंने इसको पता है काफी मेहनत से लगाया था, 2 दिन पहले मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, और पता है पौधों पे बहुत अच्छा लगता है ये, और थोड़ा सा मैंने पौधों पे इसको फैला दिया है यहाँ से, और अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी लाइट वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसी वजह से पता है इस लाइट को देखने के लिए मैंने चारों तरफ का बड़ा बड़ा जो लाइट है ना वो सारे मैंने ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े लाइट में ही इसकी लाइट छुप जाती है, इस वजह से मैं बड़े बड़े लाइटों को अभी ऑन नहीं की हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दो उसके बाद करूंगी, तो चलिए पहले लाइट ऑन कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा दिया, और शाम के टाइम में लाइट ऑन करना शुभ कहते हैं। तो कर दिया लाइट ऑन, और बस यू को आवाज दे रही थी क्योंकि बाहर थोड़ा सा रस्सी वस्सी कर लेगा, होमवर्क ज्यादा था तो कब से होमवर्क कर रहा था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं और रस्सी वस्सी कर लेना, मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, रूम मेरी बहुत मतलब कहते हैं ना कबाड़ी वाली हालत में मिलेगी आपको अभी जाने के बाद, क्योंकि जस्ट अभी मैं कपड़े लेकर आई थी, थोड़ी देर बैठ गई थी बच्चों के साथ, माँ के साथ, सब लोग साथ ही बैठे हुए थे, तो बातें बातें होने लगती है, तो आपको तो पता ही है कि टाइम नहीं मिलता है, समझ भी नहीं आता है टाइम का मिलता है क्यों नहीं, पर समझ भी नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। अभी दिया हुआ जलाना है, सारा काम बाकी है, और बस यहाँ पे आए, आ जाओ सूज लेकर आओ सूज। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।